दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग ओम साई ट्रॉफी के इस प्रतियोगिता में अगर बात की जाए तो मैन ऑफ दिस सीरीज के लिस्ट में अकरम शेख लगभग 36 रन बनाए और 6 विकेट चटका चुका है। दूसरे पायदान के ऊपर है सुंदर जाधव जिन्होंने अब तक यहां पर 50 रन बनाए हैं और अजय गवस, सुहास, नीलेश गवस और सचिन और केदार घोष ये भी खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल है। लेकिन मैं तो कहूंगा सुंदर जाधव और अकरम शेख के बीच में ये लड़ाई है। 50 रन बनाए हैं सुंदर जाधव ने, 4 मुकाबले खेले हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। अकरम शेख ने यहाँ पर 3 मुकाबलों में बल्लेबाजी की है और अब तक 36 रन बनाए, लेकिन विकेट की अगर बात की जाए तो पहले पायदान के ऊपर 6 विकेट चटकाए हैं। तो निश्चित रूप से इस बेस्ट मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए निश्चित रूप से घमासान देखने को मिलेगा। ले चलते हैं मैदान के भीतर क्वालिफाइड एक का मुकाबला जो कि वक्रतुंड बनाम यहाँ पर चलता हुआ अवनीश बॉयज के बीच में, जो कि अवनीश बॉयज के मालिक की अगर बात की जाए इस प्रतियोगिता के पहले इनाम के पुरस्कर्ता सम्माननीय नगर सेवक चेतन जी चौहान की टीम, तो दूसरी छोर से हमारे सहयोगी मित्र मनोज जी पारसेकर और वैभव सालकर की टीम है वक्रतुंड दौड़ा मार्ग। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का किया है फैसला और अंपायर ने मुकाबला शुरू होने का इशारा किया है और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर अजय गवस और सामना करेंगे साईश चंदलकर दौड़ामार तालुके का हीरा जिसे कहा जाता है, जो कि लेदर बॉल हो चाहे टेनिस बॉल अपने टीम के लिए 100% योगदान देने के लिए कूल माइंडेड कूल लैंग्वेज के लिए जाना जाने वाला ये खिलाड़ी। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया ऑनर ऑफ द स्ट्रोक विद लॉन्ग द कार्पेट के साथ, खुद गेंदबाज ने आकर फॉलो थ्रू में फील्ड कर दिया। जानते हैं 8 ओवरों का है मुकाबला, यानी कि जब तक गेंद नहीं है तब तक यहां पर बड़े शॉट खेलना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल तो अगर बात की जाए बैटिंग का पावर प्ले उसके बाद जो कि उसके पहले दो ओवर है वो जो है कंपल्सरी पावर प्ले, उसमें रन ज्यादा से ज्यादा बनाने की हर एक बल्लेबाज की होती है तमन्ना। और ये फुल टॉस डिलीवरी, लेकिन देखते हैं अंपायर कैसे, नो बॉल का इशारा और गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, यानी कि मौका मिलेगा दोबारा फ्री हिट खेलने का, जी चाहे स्ट्रोक के लिए जहां चाहे स्ट्रोक के लिए। एक संभावना और वो जताई जाती है रनआउट के रूप में, नहीं तो आउट होने से खतरे से बाहर हो जाते हैं और खतरे की घंटी बज जाती है विपक्ष फील्डिंग कर देने वाली टीम को और दबाव जो बनता है ना वो गेंदबाज के ऊपर, आप फील्डिंग बदल नहीं सकते। इस गेंद के ऊपर फ्री हिट की गेंद, इस बार बेहतर स्ट्रोक, दो खिलाड़ी वहां पर भाग रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाते, मिस फील्डिंग हो गई, तब तक दूसरा रन भी किया मुकम्मल, यानी कि एक गेंद के ऊपर 7 रन अब तक आ चुके हैं, जो कि एक नो बॉल उसके ऊपर चौका और फ्री हिट के ऊपर 2 रन, यानी कि इस ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त और स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। डीपीएल सीजन 3 ओम साई ट्रॉफी का ये क्वालिफायर एक का मुकाबला, ये अच्छी गेंद विद लॉन्ग द कार्पेट के साथ नजाकत भरा स्ट्रोक, तकनीक की बल्लेबाजी और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया और दूसरा रन भी किया मुकम्मल। निश्चित रूप से जहां नजदीक है वहां आपको थ्रो करना चाहिए, आपकी अगर बॉडी इस तरह से है तो आपको नौ सेकंड के ऊपर थ्रो कर देना चाहिए था, लेकिन आपकी सोच ये होती है कि जल्द से जल्द लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को आउट कर देना, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को ज्यादातर मौके बड़े शॉट खेलने के मिलते हैं और गेंदबाज जब राइट गेंदबाज होते हैं तो बल्लेबाज को और लेफ्ट हैंडर को काफी आसानी होती है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया ऑनर ऑफ द स्ट्रोक इसे कहा जाता है विद लॉन्ग द कार्पेट के साथ कॉपी बुक स्टाइल का स्ट्रोक, जब तक योगेश शेट्टी गेंद को फील्ड करे मेडन गेंद की समाप्ति होती हुई। पहला ओवर प्रगति के ऊपर, रन संख्या 9 रन, शुरुआत और सटीक और यहां पर शानदार शुरुआत कहूंगा, एक चौका इस ओवर में देखने को मिला है। ये गेंद इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, आई नहीं गेंद बल्ले के ऊपर, जो कि स्टांस जो बनाया था ना वो कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले के निचले हिस्से लिया और जो कि लेग गली की दिशा में चले गए, जब तक फील्डर उसको फील्ड करे। एक रन के साथ छोर बदला और स्ट्राइक सौंपी है केदार के लिए
डबल फिगर में स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान पर पहला ओवर प्रगति के ऊपर। अब पहली बार इस ओवर में केदार गौस गेंदबाजी का सामना करेंगे अजय की, और उभरते हुए खिलाड़ी दौड़ामार तालुके की अगर बात की जाए तो चाहे वैभव गवस हो, केदार गवस हो, अजय गवस हो, ये खिलाड़ी ने काफी प्रभावित कर दिया है। ये अच्छी गेंद स्टॉप चॉप कर दिया, वही पर स्टीयर कर दिया, गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेली गई 2 रन के लिए। पहला ओवर शायद यहां पर मुकम्मल होता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 12 रन के ऊपर। किसी की सलाह से जरूर रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन मेहनत से मंजिल को खुद को पार कर लेनी पड़ते हैं। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, रन आउट का खतरा है और देखने वाली बात, जी हां, पहुंच नहीं पाए पॉपिंग क्रेज में और ये सुसाइड करते हुए केदार आउट होकर पैर में वापस पहले विकेट का पता। पढ़ते हैं प्रशंसक हमें बेशक पहचानते हैं, लेकिन जो कि हमारे शुभचिंतक होते हैं उनको पहचानने की जिम्मेदारी खुद के ऊपर होती है। इसलिए आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक जरूर खेलिए, लेकिन उस आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक के ऊपर अति आत्मविश्वास से रन लेना खतरे से खाली बन जाता है। सहयोगी पार्टनर के ऊपर आपका ध्यान होना बेहद जरूरी होता है, वरना रनआउट का खतरा आपके सर के ऊपर मंडराता रहता है। नया बल्लेबाज देवानंद दाजी के भाई, ये खिलाड़ी लोकमान्य मल्टीपर्पज के ओर से आज प्रतियोगिता में शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया था। इस बार खेला शानदार कवर ड्राइव, वहां पर लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 13 रन। गेंदबाज जो है ना वो योगेश शेट्टी, इनको बेलगाम में जो कि पिछले इतवार को प्रतियोगिता हुई थी बेस्ट विकेट कीपर का प्राइज मिला था, वो योगेश शेट्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करेंगे देवानंद शेट्टी। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज की हैसियत से जाना जाता है, 1 रन के लिए भागेंगे जरूर, और जब गैप में गेंद चली जाती है ना तो आपके पार्टनर को आपको इशारा करना होता है कि भाई यहां पर 1 रन है, हमको 1 रन चुराना है, और इस 1 रन के साथ रन संख्या 14 रन के ऊपर। इस प्रतियोगिता में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं देवानंद शेट्टी, निश्चित रूप से साइज चांदेलकर ने प्रभावित कर दिया। पिछले मुकाबले में 5 कैचेस उन्होंने लपकाए, 11 रन बनाए बल्ले से। ये अच्छी गेंद, शॉट ऑफ डिलीवरी, गेंद तो नहीं रुकेगी, 1 बाउंड सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए साइज के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। को यहां पर एक चौका जरूर जड़ा है, गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन देखिए आंखें इतनी तेज है साइश की, जो खिलाड़ी लेदर बॉल खेलते हैं ना उनकी आंखें मानो आई इफेक्ट के बारे में अक्सर बताया जाता है, उनका आई इफेक्ट सॉलिड होता है और गेंद हर एक गेंदबाज को यहां पर बल मारने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये अच्छी गेंद, लाजवाब स्ट्रोक, देखते ही बनता है, दर्शक बनकर रहे खिलाड़ी, और एक पिछले कुछ मुकाबलों में यहां पर अगर बात की जाए तो बल्ला इनका खामोश था,
क्या ये इसी मुकाबले के लिए ये पारी संभाल कर रखी थी, ये सवाल ये निशान। लेकिन क्या गजब के चौके लगाए हैं तीन, और इस ओवर में तो ये नदा का द्वारा स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का तकनीकी स्ट्रोक यहाँ पर साइश के बल्ले से निकलता हुआ। योगेश शेट्टी महंगा ओवर यहाँ पर अब तक साबित होता हुआ। साइश तेंदुलकर पूरे पूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हल्के हाथों से कहा यहाँ पर ऑनर ऑफ द स्ट्रोक। एक रन आसानी के साथ खेलते ही भाग चुके थे और एक रन के साथ रन संख्या दो रनों का खेल समाप्त, 23 रन एक विकेट के नुकसान पर रन आउट के रूप में केदार गवास। अभी भी 6 ओवरों का खेल है बचा, क्या होगा ये तो आने वाला समय करेगा तय। फिलहाल वक्त हो चुका है कॉमेंट्री कक्षा में बदलाव का, कुछ देर के लिए मैं जय भोसले इस पहले इनिंग से विदा लेता हूँ और आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा कमेंटेटर दीपक परब को, और यहां से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। तो लगभग आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला बिल्कुल पटकी हुई गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ की सीमा रेशा के नजदीक फील्ड किया जाता है। तब तक दो रन मुकम्मल होते हुए दो रन इस गेंद के ऊपर, दो रन की सहायता से रन संख्या 25 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। तीसरे ओवर के प्रारंभ में गेंदबाज नीलेश गवस जो की गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला बिल्कुल अवनीश बॉयज दौड़ा मार्ग बनाम वक्रतुंड दौड़ा मार्ग के बीच में क्वालिफायर का ये मुकाबला। बिल्कुल इस मुकाबले में जो जीतेगा बिल्कुल फाइनल का रास्ता तय करेगा इस फील्डिंग और नतीजा आपके सामने। कुल मिला के दो रनों का इजाफा इस गेंद के ऊपर, दो रन की सहायता से मंजिल आगे बढ़ती हुई 27 रनों के ऊपर। तीसरे ओवर का प्रारंभ नीलेश गवस जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, एक विकेट खोया है जरूर साइश केदार जो कि वापस मैदान के बाहर, और साइश और देवानंद का जोड़ा इस दौरान मैदान के भीतर। जब साइश अपने बल्ले से अभी तक लेता रही बल्लेबाजी, तीन चौके अपनी पारी में अभी तक पहुंचेगा और एक अच्छे स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में वहां पे खिलाड़ी तैनात। एक रन जरूर मिलेगा, एक रन की सहायता से रन संख्या 28 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई, एक विकेट का नुकसान। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर, पहला सत्र इस दौरान जारी मैदान में। रन संख्या 28 रन, एक विकेट का नुकसान, आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। नीलेश गवस गेंदबाजी पर चल पड़े फिर से एक बार, बिल्कुल जड़ों में डाली हुई गेंद सम्मान पूर्वक कवर के क्षेत्र में ढकेला, एक रन बनता हुआ इस गेंद के ऊपर। एक रन की सहायता से फिर से एक बार रन संख्या आगे बढ़ती 29 रनों के ऊपर पहुंचती हुई। रस्त्यावर सीमारेषेच्या आज जी गाड़ी पार्क केली आहे, कृपया सीमारेषेच्या बाहेर पार्क करायची आहे। रन संख्या 29 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई नीलेश जो की गेंदबाजी के मोर्च के ऊपर। इस बार जड़ों में डाली गेंद परेशान करती हुई इस साइश को, लेता रिप गेंद कहनी पड़ेगी। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर, नीलेश अपनी गेंदबाजी जारी रखता हुआ हमारे सामने वाले छोर की तरफ से। बिल्कुल इस मुकाबले में जो जीतेगा बिल्कुल फाइनल का रास्ता उसके लिए तय है। जी हाँ बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात, पहले प्रयास में गेंद को उठाने में कामयाबी वहां पे मिलती हुई। एक रन इस गेंद के ऊपर, एक रन की सहायता से तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 30 रन और एक विकेट का नुकसान होगी।
विनोद जो कि एक युवा गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, तीन ओवर के बाद रन संख्या 30 रन 10 का रन रेट जारी पहले तीन ओवर में। स्ट्राइक गेंद के ऊपर शैलेश, एक हथौड़ा बल्लेबाज, आप वाली गेंद इस बार बना के खेला सीमा रेखा के नजदीक, सीमा पार, आसमान को छूती न छूती, 6 रन। छत्तीस रनों के ऊपर परावर्तित होती है। चौथे ओवर के प्रारंभ में विनोद के मन में थोड़ी सी घबराहट, सामने एक हथौड़ा बल्लेबाज, मिस फील्डिंग, यहाँ पे नतीजा आपके सामने है, एक रन तो जरूर मिलेगा, रनआउट का खतरा जो मंडरा रहा था, और एक ओवर थ्रो और रन लेने की गुंजाइश होगी, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं बल्लेबाजों को। एक रन इस गेंद के ऊपर, एक रन की सहायता से रन संख्या 37 रनों के ऊपर परावर्तित होती हुई। एक विकेट का नुकसान केदार, जो कि वापस खुद के नीचे 2 रनों के ऊपर मैदान के बाहर। बिल्कुल 8 ओवर का यह मुकाबला, 70-75 रन बनाने जरूरी है पहले इनिंग में, और क्षमता रखते हैं कि शैलेश जैसा बल्लेबाज और इसके बाद दाजी आना बाकी। पिछले मुकाबले में एक आक्रामकता भरी पारी देखने को मिली थी दाजी के बल्ले से, 5 छक्के लगातार उस इनिंग में दाजी की बल्ले से देखने को मिले थे। लेता रही बल्लेबाजी का मुजहरा, और एक गली के दिशा में स्ट्रोक, एक रन की सहायता से रन संख्या 38 रन, 26 जो कि स्ट्राइक गेंद के ऊपर। विनोद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस इनिंग ओवर। जी हाँ बिल्कुल, आप वाली गेंद उठा के खेलने का प्रयास, इस दौरान चकमा दे गई, विकेट का पतंग गिरता हुआ, साईश वापस मैदान के बाहर। बैट मधून बघायला मिळाली दुपारच्या सत्रामधील आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना, अवनीश बॉयज दोडामार्ग विरुद्ध वक्रतुंड दोडामार्ग। तिसऱ्या चौथ्या षटकाचा खेळ मात्र मैदानात सुरू आणि दुसरा हादरा साईशाच्या रूपात बसतोय। धावसंख्या 38 धावा, चौथं षटक प्रगतीपथावर। नवीन फलंदाज समीर हा मैदानात सज्ज होतोय। विनोद पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरून सुंदर असा फटका कव्हरच्या दिशेने, मात्र दोन खेळाडूंना बीट करून एक धाव मिळते या चेंडूवर। एका धावेनिशी धावसंख्येत मात्र भर पडते, धावसंख्या 39 धावांवर परावर्तित होते। रन संख्या 41 रन, 2 विकेटों का नुकसान। चौथ्या ओव्हर का खेळ इस दौरान प्रगतीपथ के ऊपर। विनोद सावंत जो की एक युवा गेंदबाज गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए है। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक, साइज जैसी बड़ी मछली को चलता करने में कामयाबी उनको, और एक रन मिलता हुआ 4 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 40 रन आखिरकार। मैदान में कोई बदलाव हो ना हो, कमेंट्री कक्ष में जरूर बदलाव हो।
हेलो, धन्यवाद दीपक। 32 रनों के शानदार बारिश साई तेंदुलकर की, और उसके बदौलत 4 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त, 40 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में बदलाव दिखाई देता हुआ, ऑफ टेंपर यह गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे, शायद बल्ले से चूक की गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटकर गेंद स्टंप को लगते हुए, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान नहीं था, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 5वां ओवर जो कि चलता हुआ, अजय गवस अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए, देवानंद जो कि अपने 4 पर व्यक्तिगत और समीर बल्लेबाज जो कि 1 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, एक शानदार शुरुआत वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम के इस महत्वपूर्ण मैच में। 8 ओवर का जहां तक मैच है, मेरे ख्याल से 75 का टोटल होना चाहिए स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी से उछाल लेते हुए स्क्वायर कट किया, बल्ले से टॉप एज लगा, गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर, डिक्लेयर एरिया में 2 रन का इशारा अंपायर रोशन पेडनेकर का। महेश डोंगरे जो कि स्क्वायर लेग पर, और 2 रन स्कोर के खाते में, 42 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पे। कड़ी धूप बिल्कुल सूरज माते पर, काफी गर्मी का मौसम। यूट्यूब पर गौरव सावंत और सहयोगी उनके निखिल कामले, फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप पर, लेग स्टंप से दूर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, फिर से 1 रन, 43 रन, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। दौड़ामार्ग प्रीमियर लीग का आज का अंतिम दिन, शाम को फैसला हो जाएगा एक आकर्षक ट्रॉफी का, कौन रहता है विजेता। पहला इनाम जो कि 35,000 रुपए का, दूसरा इनाम 25,000 का। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ स्टंप पर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं गेंद को रोकने के लिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। मैन ऑफ द मैच का हकदार जो कि दाजी सेट पे, और इस मैच में बिल्कुल देवानंद जो कि छाकर दिखा देते हुए, इस बार पुल करना चाहते थे, फिर से गेंद निकली गली एरिया में लगभग स्लिप की तरफ, 1 रन, 48 रन, 48 लॉस ऑफ 2 विकेट, 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ और 1 रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए, अवनिश बॉयज क्रिकेट टीम जो कि मैदान पर दिखाई देती हुई गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन अप पर अगली गेंद लेकर, इस बार बढ़िया शॉट, फिर से थोड़ा सा आगे निकले, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में, 2 देरी से निकले, गेंद के आने का इंतजार किया फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और उसी का फायदा उठाते हुए जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन पूरे किए, 2 रन के साथ से ये 50 रन जो कि पूरे वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम के पहले बारी में। शायद अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी, आगे निकलकर लगभग फुल टॉस पर लिया, बट बढ़िया शॉट, इस बार कवर ड्राइव का, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई, बढ़िया फील्डिंग, इस बार 1 रन के साथ से दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक अच्छा क्रिकेट, थोड़ी सी जो कि ढिलाई, और ये शायद बिल्कुल करीबी मामला होगा, बिल्कुल ये खराब क्रिकेट, शायद रन नहीं था वहां पर, रन लेने की कोशिश की और तीसरे विकेट। छब्बीस रन की कीमती साझेदारी,
और इस मैच के बाद जो कि मैच होगा पिंटिया वॉरियर्स और सातेरी वॉरियर्स के बीच में, दोनों टीमों मैच के लिए बिल्कुल जो कि तैयार हो जाइए। पिंटिया वॉरियर्स और सातेरी वॉरियर्स के बीच में मुकाबला होगा शानदार, जो कि एक छोटी सी बारी एक चौके की मदद से 10 रनों की 7 गेंदों का सामना करते हुए देवानंद की, और देवानंद की जगह पर नए बल्लेबाज राजेश शेट्टी जो कि मैदान पर, पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के हकदार। और यह मुकाबला 8 ओवर का है, जो कि इशारा मैदान पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का अंपायर द्वारा आता हुआ। शानी गेंदबाज, फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लंगर बाउंड्री पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। शायद एक रन पूरा किया, दूसरा रन होना चाहिए था, लेकिन तालमेल नहीं था दोनों के बीच में, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के साथ से 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, छठा ओवर जो कि चलता हुआ। समीर 6 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए, और पहली बार इस मैच में दाजी शेट्टी जो कि बल्लेबाजी करते हुए, पहला विकेट 12 पर, दूसरा 38 पर, तीसरे विकेट के बीच में 14 रनों की साझेदारी, 52 के योग पर तीसरा विकेट जो कि कुल गिरता हुआ। वक्रतुंड दोडामार क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, गोम कर मारा, बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, टाइमिंग, खूबसूरत छक्का, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, सीमारेखा से बाहर। पिछले मैच में 43 रन बनाए थे, एक से बढ़कर एक छक्के लगाए थे, बस वही से इनिंग को फिर से बिल्कुल जो कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर दिखाई देते हुए। ओवर पिच गेंद, बिल्कुल शायद नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, नो बॉल का इशारा, यानी मेरे ख्याल से एक रन और फ्री हिट का मौका रहेगा भाई। कुछ एक्शन पर मेरे ख्याल से जो कि अंपायर को शायद मन में शंका उपलब्ध होती हुई, फ्री हिट का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन स्कोर के खाते में बढ़ता हुआ वक्रतुंड दोडामार क्रिकेट टीम के, और फ्री हिट का मौका वो भी दाजी जैसे बल्लेबाज को, जो कि बिल्कुल बड़े फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में, एक से बढ़कर बड़े शॉट लगा रहे। पहली गेंद पर जो कि सामना किया था, फाइन लेग बाउंड्री पर छक्का लगाया, और देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या करते हैं नीलेश कावस, एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर, फ्री हिट की गेंद, कुछ वार्निंग देते हुए अंपायर बिल्कुल जो कि गेंदबाज के ऊपर, और स्ट्राइक गेंद पर दाजी, 6 पर अपने व्यक्तिगत, धीमी फेंकी गेंद, इस बार खूबसूरत शॉट, फुल किया गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री पर, शायद कैच जरूर लपका, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी, कोई नुकसान नहीं था, एक रन जरूर बनता हुआ स्कोर के खाते में। एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, 61 लॉस ऑफ 3 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। दोनों टीमों में निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी दिखाई देते हुए, एक संघर्ष जरूर होगा। अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम भी बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी है, बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है। अगली गेंद इसी बीच में, शायद थोड़ी सी लेग स्टंप पर यह गेंद, देखना होगा अंपायर का क्या इशारा रहता है, वाइड बॉल का इशारा, बिल्कुल अपने अजीबे ढंग में जो कि अंपायरिंग के बिल्कुल एक्शन दिखाई देते हुए महेश डोंगरे की, एक रन स्कोर के खाते में। मेरे ख्याल से जिस तरह से रन बनाए हैं पहले, जो कि शुरुआत बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी सही चांदिल करके 32 रनों की 80 का टोटल होना चाहिए इस मैच में। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवा में, बिल्कुल कैच को तब्दील किया, ये 6 रन होने चाहिए थे भाई।
पांच गेंदों का सामना किया अपने व्यक्तिगत, 6 रन पर वापस समीर और दाजी सेठिया का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अक्षय मैदान पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलते हुए ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी से स्लिप की तरफ गेंद निकली और जब तक स्लिप के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया रन की संभावना को समाप्त कर दिया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करते हुए वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम, 2 ओवर का इसके बाद से खेल अभी भी बाकी। इस बार जो कि बड़ा शॉट में बिल्कुल देखना होगा, शायद पॉइंट पर है और बढ़िया फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग और एक धक्का लगता हुआ इसके साथ वक्रतुंड। विकेट के नुकसान, 5 विकेट के नुकसान पे 62 लॉस ऑफ 5 विकेट कंप्लीशन आफ्टर 6th ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन, योगेश दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर और मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट के पर बल्लेबाज वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम के राजेश पुलारी जो कि मैदान पर कप्तान जो कि टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाजी, लेकिन विकेट कीपिंग बिल्कुल जो कि बढ़िया काम करते हैं। पिछले मैच में जो कि इनाम जो कि उनको रखा था उसको प्राप्त किया था। ये गेंद थोड़ी सी जगह देखना होगा, एक हल्का सा अपील अंपायर की ओर देखते हुए देखना होगा क्या होता है फैसला अंपायर का, बल्ले से लगे या लेग बाइज का, लेकिन फिलहाल एक रन जरूर बनता हुआ 63 रन, लेग बाइज का इशारा आता हुआ 63 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पे। 32 रन की शानदार बारी साइज और साथ साथ देवानंद एक चौके की मदद से जो कि छोटी सी बारी के लिए इसी बीच में मैदान पर 10 रनों की और जो कि एक ही टीम ले अक्सर खेलते हैं, लेकिन आज बिल्कुल जो कि आमने सामने दिखाई देते हुए राजेश नायक अंपायर से गार्ड लेकर सामना करते हुए योगेश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी लेग कटर गेंद गेंद निकली स्लिप के एरिया में फिर से जो कि बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक रन 22 का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, एक रन स्कोर के खाते में 64 रन टोटल 64 लॉस ऑफ 5 विकेट 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे वक्रतुंडा दौड़ामार क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम मैदान पर जो कि फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को आमंत्रित किया। एक बढ़िया शुरुआत जो कि पहला विकेट 12 पर बना लेकिन दूसरे विकेट के बीच में 26 रन की साझेदारी बनी, अब वो काफी जो कि अच्छी रही वक्रतुंडा दौड़ामार क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन 8 ओवर का मैच है, मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की है शुरुआत की है बनाते हुए वक्रतुंड दौड़ामार क्रिकेट टीम 77 रन 77 लॉस ऑफ 5 विकेट
एक अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर, अंतिम ओवर का खेल बाकी और इस प्रतियोगिता का ये हाईएस्ट टोटल हमारे स्कोर नीलेश पाटिल जो कि जानकारी देते हुए, और अंतिम ओवर लेकर जो कि युवा खिलाड़ी विनोद गेंदबाजी के मोर्चे पर, शायद ये नो बॉल का इशारा होगा। गेंद मेरे ख्याल से हाथों से लगभग छूटी और नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा, बीमर गेंद, 78 रन स्कोर बोर्ड पर, लेकिन फ्री हिट का मौका वो भी दाजी जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को, 8 पर अपने व्यक्तिगत, 1 छक्के की मदद से, 12 पर 1 चौके छक्के की मदद से, राजेश पुलारी नॉन स्ट्राइकर इन पर, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से बुनियाद बिल्कुल मजबूत की साइश चांदिलकर ने 32 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए, और वहीं से लेकर मेरे ख्याल से शायद आसपास सामने दिखाई देते हुए आंखों के सामने लगभग 90 का टोटल दिखाई देता हुआ, देखना होगा 90 के आसपास वक्रतुंड दोड़ामार क्रिकेट टीम पहुंचते हैं नहीं। फ्री हिट की गेंद विनोद के लिए, बिल्कुल युवा खिलाड़ी लेकिन इस प्रतियोगिता में काफी ऊपर उभर कर जो कि दिखाई देते हुए अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए बल्लेबाजी में जाए जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर चौका लगाकर अपने टीम को जो कि जीत दिला में बड़ा योगदान रहा था, और यही खासियत है जो कि दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग में जो कि नए सितारों को जो कि मौका मिलता है, युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने खेल दिखाने के लिए, प्रतिभा साबित करने के लिए, और इसी के लिए शायद ये दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन, तीसरा पर्व आज का अंतिम दिन, लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल बड़ा रहेगा इस मैच का। ओवर पिच गेंद उठाकर मारा, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद बिल्कुल निकलते हुए 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन से मारेगा से बाहर। प्रतियोगिता में शायद अच्छे बल्लेबाज के लिए 501 रुपए का इनाम भी है, आकर्षक ट्रॉफी है जो कि हिमहीरा कम्युनिकेशन ने जो कि प्रस्तुत किया है। धीमी गेंद, इस बार शायद चेंज अप पे थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था हिमहीरा कम्युनिकेशन ने जो कि बल्लेबाज के लिए 501 रुपए और चषक जो कि ट्रॉफी रखी है। भाई आज जो कि इस ट्रॉफी के लिए हकदार काफी बल्लेबाज दिखा देते हुए, लेकिन उसमें से एक नाम जरूर होगा जो कि दाजी शेट्टी का, साईश चांदिलकर वो भी हो गए। शॉट गेंद, इस बार हवा में शॉट, फाइन लेग पर बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, शानदार कैच, योगेश फील्डर। के साथ नहीं लगाए शॉट, 2 छक्के की मदद से 14 पर अपने व्यक्तिगत, दाजी की बारी समाप्त, 2 बढ़िया छक्के लगाए, शायद ये भी बड़ा शॉट था लेकिन वो थोड़ी सी ताकत लगाते तो भाई गेंद आर पार होती, लेकिन बढ़िया कैच, दाद देनी पड़ेगी फील्डर को योगेश को। शायद इस दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग में जो कि और एक इनाम जो कि ज्यादा से ज्यादा जो छक्के लगाएगा बल्लेबाज उसके लिए 1000 रुपए और आकर्षक ट्रॉफी, ये भी जो कि दोड़ामार्ग प्रीमियर लीग में रोहित हल्दंडकर सम्मान्य उन्होंने रखा है। बढ़िया शॉट, इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को राजेश के बल्ले से निकलता हुआ शॉट, पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन के साथ से स्कोर बिल्कुल जो कि पहुंचता हुआ 86 रन 86। और हम बात कर रहे थे 85 के बिल्कुल आगे निकले 85 से, अब सामने लगभग 90 का जो कि शायद आंकड़ा होगा। तेज गेंद, इस बार काफी रफ्तार के साथ विनोद को शायद जो कि काफी प्रतिभा दिखाई देते हुए, मेरे ख्याल से अगले जो कि प्रीमियर लीग होगा अगले साल में तो ये शायद ये खिलाड़ी काफी उस बार प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाएगा। पहले प्रारंभ में शायद इतना जो कि बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद निकली फाइन लेग की तरफ, शायद देखना होगा 1 रन तो जरूर बनेगा, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और अपने अपने क्रीज में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, 2 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 88 जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर। शायद पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई बल्लेबाजी को मौका दिया वक्रतुंडा दोड़ामार्ग क्रिकेट टीम को, शुरुआत की थी केदार और साईश ने, 32 रन का योगदान जो कि साईश का, उसके बाद से देवानंद ने 1 चौके की मदद से 10 रन बनाए,
दाजी शेट्टी ने दो छक्के की मदद से 14 रन का योगदान दिया। राजेश पुलारी जिन्होंने नॉट आउट बारी के लिए एक चौके छक्के के साथ से 16 रन की बारी के लिए और टोटल 88 रन जो कि बनाते हुए अक्रम नॉट आउट रहे। 8 ओवर का मैच 89 रनों की आवश्यकता अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम को मेरे ख्याल से एक चैलेंजिंग टोटल होगा इस मैदान पर। पावर प्ले में आपको बड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, एक आक्रामक बैटिंग करनी पड़ेगी, तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, 35 रन बनाने पड़ेंगे, 30-35 रन अगर वो बनाने में सफल रहे तो शायद बैटिंग चॉइस पावर प्ले में आपका खेल होगा। देखना होगा क्रिकेट के बारे में काफी गलत बात रहेगी जो कि भाकित करना, लेकिन एक अच्छा टोटल है, शायद इस टोटल पर गेंदबाजों का मौका रहेगा। 89 रन आवश्यक अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम को। फिलहाल ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी जय भोसले और प्रवीण कौटनकर के साथ, धन्यवाद। मोबाइल फोन पाकिटे सुरक्षित ठेवा, भुरट्या चोरांपासून सावध रहा। टिंग टोंग
फिर एक बार ले चलता हूं मैदान के भीतर क्वालिफायर वन का ये पहला मुकाबला जो कि वक्रतुंड दौड़ा मार्ग और अवनीश बॉयज के बीच में चलता हुआ। टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला, 11 के औसत से निर्धारित 8 ओवर में 88 रन बनाए, 89 रनों का लक्ष्य रखा है और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर। शुभम और अर्जुन इसमें जो जीतेगी वो सीधे फाइनल के मुकाबले में खेलेगी, जो हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा जो कि आने वाले मुकाबले में जीतने वाले टीम के साथ, यानी कि अगला मुकाबला जो होगा वो नॉकआउट का होगा, जिसका जो टीम हारेगी उसका होगा पैकअप और जो जो टीम जीतेगी उसका सेमीफाइनल में हो जाएगा टेक ऑफ। मैच शुरू होने का इशारा और प्रारंभिक गेंदबाजी के हैसियत से केदार गौस आते हुए गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे शुभम नॉस्टा गेंद के ऊपर अर्जुन उर्फ बाबा कास्कर। पहले ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले का ये पहला ओवर, ये दो ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे इस पारी में। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी जरूरत है वैभव साय का। जी हाँ, इनको ही गिरनी आदत है, गेंद रुकी थी, गिरने के बाद टकराई जहां पर मात्र या रनआउट का फैसला। जी हाँ, और मिस फील्ड के ऊपर रन लेना खतरे से खाली विकेट का हो चुका है पतन। गालियां डालता है लेकिन अभी जो मिस फील्डिंग होगी वही साड़कर से उनको गालियां नहीं तालियां मिलती हुई, क्योंकि उनके वजह से रनआउट हो चुके थे। निश्चित रूप से कभी कभार ऐसा हो जाता है, परिवर्तन संसार का नियम माना जाता है, क्योंकि पहले क्रिकेट खेला जाता था 60-60 ओवर का, उसके बाद में लगभग 7-8 मैच खेले गए 58 ओवर के, उसके बाद में आविष्कार हो चुका 50 ओवरों का, उसके बाद में लगभग 40 ओवरों के मुकाबले खेले गए, अब आविष्कार हो चुका है IPL यानी कि T20 का और बिग बॉस खेला जाता है 10-10 ओवरों का, कल हो ना हो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला जाए 5-5 ओवरों का। ये क्रिकेट का जो कि नया आविष्कार भली भांति भाता हुआ, क्योंकि ये जो खिलाड़ी 10-11 खिलाड़ी एक टीम से खेलते हुए नजर आते हैं वो इन प्रीमियर लीगों में आमने सामने हो जाता है, किसी के कच्चे धुए किसी के पक्के धुए हर एक टीम के लिए काम आते हैं, कि कोई अच्छा गेंदबाज उभर कर सामने आ जाता है, कोई अच्छा बल्लेबाज बल्लेबाजी से गेंदबाजों के पसीने छुटा देता है। तो ले चलते हैं फिर एक बार मैदान के भीतर, एक विकेट का पतन, रन संख्या मात्र 2, यहां पर 79 रनों का पीछा करते हुए निश्चित रूप से यहां पर पारी जो कि खेलना है, यहां पर निश्चित रूप से एक खिलाड़ी को एक बड़ी पारी खेलनी होगी अपनी टीम को आगे लेकर जाने के लिए। केदार गवस शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये खिलाड़ी अब सामना करेंगे अर्जुन उर्फ बाबा कास्कर। ये अच्छी गेंद, कैच का मौका लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, पैरों के ऊपर थी गेंद और प्रभावित कर दिया इस पूरे प्रतियोगिता में। अगर बात की जाए अकरम शेख के, चाहे गेंदबाजी हो चाहे फील्डिंग हो और चाहे यहाँ पर बल्लेबाजी हो, जब जब उनको मौका मिला उस मौके को उन्होंने सुनहरा रूप प्राप्त कर दिया। ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए टीम में, जज्बा होना चाहिए, गेम स्पिरिट होना चाहिए, 100% योगदान देने के लिए यहाँ पर हर एक खिलाड़ी के अंग अंग में क्रिकेट का रोमांच होना चाहिए। कुछ बातचीत करते हुए कप्तान जो कि वक्रतुंड के अंपायर जो कि महेश डोंगरे के साथ विकेटों के ऊपर खड़े लगभग, और गौरेश यादव पहली बार सामना करेंगे केदार की गेंदबाजी का। बैकफुट पर चले गए थे, खेलना चाहते थे, ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन इस बार बेहतर इन फील्डिंग, निकल चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर, कुछ इंच दूर से गेंद चली गई, वरना कुछ अंदर आ जाती तो शायद विकेटों को उखड़ कर ले जाती। शायद यहां पर बात की जाए वैभव सालकर की, जो अशोक पहला जब DPL का इस साल का आयोजन हुआ था पहली गेंद के ऊपर गिर पड़े थे और आज भी यहां पर गिर पड़े जरूर, लेकिन आज जब गिरे ना तो एक विकेट लेकर गिरे। तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाता है, हमारे मित्र है, पत्रकार है और बातें ये होते ही रहते हैं। फिलहाल तो यहां पर केदार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार।
इस बार बल्ले को घुमाया, जरूर बल्ले के नीचे उपले ऊपरे से लगी, डिक्लेयर जोन में चली गई दो रन के लिए। दो रन के साथ रन संख्या अब मात्र 5 के ऊपर परावर्तित। और इस वैभव साळकर के बारे में और एक बात मैं बताना चाहूंगा अशोक, दोडामार तालुके में कोई ऐसा मैदान नहीं होगा जिसके ऊपर ये ना गिरे हो, ये कीर्तिमान है। जी हाँ, एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं भी गिरा करता था लेकिन 4-5 मैदानों के ऊपर, लेकिन इन्होंने तो यो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन गिरे हैं जरूर, गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसी बात जरूर है, ये तो मैं नहीं कहूंगा भाई। इस बीच केदार फिर एक बार याचिके, इनके एच का मौका, समीर वहां पर मौजूद। और एक खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा अशोक, अभी अभी जिस खिलाड़ी ने फील्डिंग की ना, वो कभी छाव में बैठता नहीं, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, दोपहर की हो, शाम की हो, सुबह की हो, वो सिर्फ धूप में ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो चार्ज होता है, इसलिए उसको जादू कहते हैं, और वो धूप में ही चार्ज होता है। क्यों दाजी, पता है वो भी खाने वाले की टीम के ओर से खेलता है, समीर परमेकर। केदार इस बार फिर एक बार, इस बार खेला हवाई फायर, गेंद के पास पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी, गेंद से मारे कपार। है पहला हम सिनेमा देखा करते थे वैजंती मधुबाला का, उसके बाद में दौर आया माधुरी दीक्षित श्रीदेवी जूही चावला का, अब दौर आ चुका है कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा और सनी लियोनी का। तो इसी तरह क्रिकेट में भी बदलाव जो कि अपेक्षित है वो होता हुआ नजर आ रहा है। पहला अगर कोई कहता कि क्रिकेट के सिवा बातें करेंगे तो उन कमेंटेटर को घर में बैठने को भी बुलाया जाता, तो चीयर्स लीड्स की और चीयर गर्ल्स की बात ही छोड़ दो, लेकिन आज इस तरह से रंगीन क्रिकेट बन चुका है, कपड़े रंगीन, माहौल रंगीन, फैन रंगीन, सब कुछ रंगीन और गेंदे भी रंगीन। ये है बदलाव क्रिकेट में, ये है बदलाव जो कि अगर बात की जाए नैसर्गिक रचनाकार में, गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार माने जाने वाले अकरम शेख, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर हट्टे कट्टे नौजवान। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो अकरम शेख की अगर तुलना की जाए तो उनके जैसा हट्टा कट्टा खिलाड़ी और किसी टीम में नहीं देखने को मिलेगा। और फिर एक बार, इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी, कैश तो नहीं मिलेगा लेकिन फील्डिंग होगी दाजी की, सेफ हैंड जिसे कहा जाता है, मात्र मिलेंगे दो रन, दो रन के साथ रन संख्या अब मात्र 12 रन के ऊपर। एक चौका जो लगाया था ना पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर कर खींच कर लगा गया, खींच कर लेकर आए लेग लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गैप को ढूंढने में कामयाब रहे थे बाबा कास्कर, जिसके बदलत रन संख्या ठीक ठाक नजर आ रही है। अच्छी गेंद, इस कैच का मौका, जी हाँ, जहां पर खिलाड़ी तैनात कर दिया था वहीं पर कैच के बैठे और एक बड़ा विकेट। लगभग 12 मुकाबलों में 21 विकेट प्राप्त कर चुके हैं और इस प्रतियोगिता में अकरम शेख ने अब तक 9 विकेट चटकाए हैं, यानी कि गेंदबाजी में 36 रन और विकेट जो कि लगभग 9 रन। दत्त प्रसाद पिरणकर नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, थोड़ा सा हर्षोल्लास का वातावरण मनोज पारसेकर के खेमे में क्यों ना हो,
टीम का प्रदर्शन इस तरह से रहा है कि निश्चित रूप से जो कि एक विजेता की तरह खेलती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा ना तो शायद इस प्रतियोगिता में जीत का किताब उनके सर के ऊपर रहेगा। हवा में गेंद, कैच का मौका, दाजी कैच के नीचे और क्या गजब की फील्डिंग वहां पर, अपने टीम के लिए निश्चित रूप से कुछ रन बचाए। क्या गजब की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। पहले देखा कैच बनता है नहीं, उसके बाद में उन्होंने सोच लिया कैच तो नहीं बनेगा, कुछ चार रन और बचाते हैं। और निश्चित रूप से इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं 100% एफर्ट, फील्डिंग एफर्ट बेहतरीन, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर करता हुआ दाजी शेट्टी। क्या कहेंगे भाई, 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार खेला ऑफ साइड की दिशा में, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, यहां नहीं तो वहां से चौका तो मिला। रन के ऊपर दो विकेट मात्र इसके लिए गंवाने पड़े हैं। और दूसरा ओवर है प्रगति के ऊपर, शानदार गेंदबाजी करते करते एक छोटी गेंदबाजी पटकी हुई गेंदबाजी और उसका फायदा उठाते पावर प्ले में पॉइंट के ऊपर से खेल दिया चार रन के लिए, थर्ड मैन और गली के बीच में से। अकरम शेख फिर एक बार निकले, फिर एक बार पैरों के ऊपर थी गेंद, वैभव सालकर वहां पर मौजूद और गेंद को उन्होंने पकड़ लिया। निश्चित रूप से नाराजगी जताते हैं जरूर यहां पर, क्योंकि गेंद को आपने पकड़ा लेकिन तुरंत थ्रो करना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो कर किया सही किया, मानो रन बचाया अपने टीम के लिए और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर खुद वैभव सालकर द्वारा। दत्त प्रसाद पिरानकर आते ही चौका खेल दिया, ये गेंद निश्चित रूप से बल्ले को लग कर गई है, दो रन अंपायर का इशारा आता हुआ और शायद दूसरा ओवर भी यहां पर समाप्त हो चुका है। दो ओवरों का खेल समाप्त और 20 रन 10 के औसत से दो विकेट गंवाने के बाद 89 रनों का पीछा करते हुए, यानी कि अभी भी 36 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 69 रनों की और है आवश्यकता। दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन ये दोनों टीमें सोचती होगी हम हारने की बात क्यों करें, क्यों ना ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल के दरवाजे से अंदर चले जाए। तो यहां पर निश्चित रूप से दोनों टीमों के लिए मौका तो जरूर है, लेकिन फिलहाल तो संकट भरा बल्लेबाज के ऊपर निश्चित रूप से दो विकेट जरूर गवाए हैं। अगर यहां पर एक ताबड़तोड़ साझेदारी बन जाती है 30-35 रनों की तो निश्चित रूप से वापसी कर सकती है अवनीश बॉयज की टीम। दोनों ही नाम अगर देखे जाए तो गणपति के अवनीश बॉयज और वक्रतुंडा, और दोनों के बीच में चलता हुआ एक घमासान। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं इमलों के पत्तों से बंगला नहीं बनता, रोने से नसीब नहीं बदलता, किसी एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। तो निश्चित रूप से क्रिकेट में भी वही, किसी एक हार से आपको लूजर नहीं कहा जाता, क्योंकि जिंदगी लूजर को एक और मौका देती है और वही लूजर कभी कभार सिकंदर यानी कि चैंपियन बन जाता है। गेंदबाजी के लिए अक्षय, इस बार बाबा के लिए गेंद, पैडल शिप के सहारे खेल दिया इसको, यहां पर गेंद जा रही थी, एक रन जरूर बनेगा निश्चित रूप से, एक रन के साथ रन संख्या 21 रन, दो विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर। इक्के दुक्के से तो काफी खुश रहेंगे कप्तान वक्रतुंड के, अगर चौका छक्का यहां पर लग जाए ना तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तो गेंदबाजी की अगर बात की जाए ना तो शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज, बीच बीच में एक चौका भी बल्लेबाज लगाते हैं। दत्त प्रसाद पिरानकर हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, कैच के लिए चले गए थे देवानंद वहां पर, लेकिन एक रन मात्र के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और फ्री हिट, यानी कि इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। शायद फील्डिंग के बारे में यहां पर निश्चित रूप से बात करनी होगी और अंपायर का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। और इस
अंतिम न्यायपालिका के ऊपर कोई न्यायपालिका नहीं है, इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट भी अपील नहीं कर सकते। फ्रेट का मौका शायद जो कि 30 यार्ड का सलकर है उसके बाहर थे खिलाड़ी, जिसके बदलत रोशन पेडनेकर ने नो बॉल का इशारा कर दिया है। उल्टा डिलीवरी हवा में खेला, भागने की जरूरत नहीं, जाइए गेंद लेकर आइए। 6 रन। खिड़की मधुकणी काला मासळी गुतवली भैया मामा चपोरीला। होने लगे युवती होने लगे, तब से मामा ने भी बुलाना बंद कर दिया। तो इसी बीच फिर एक बार गेंदबाजी के लिए यार, ये रिवर्सिप का बेहतरीन स्ट्रोक, दो रन और खाते में सूझबूझ भरी पारी, और यहां पर निश्चित रूप से 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 10 के औसत से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से अब मात्र स्कोर में तेजी लगती हुई, और क्यों ना हो इस तरह की बल्लेबाजी हो तो शायद यहां पर ये रन भी छोटे पड़ जाए। इस मैदान के ऊपर चेसिंग करना उतना आसान नहीं, लेकिन आप ठंडे दिमाग से यहां पर खेलोगे, बीच बीच में कमजोर गेंदों के ऊपर प्रहार करोगे तो मुकाबले जीतने में आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इससे अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, एक रन तो जरूर बनेगा, दूसरे की मांग कतई नहीं होगी, और एक रन के साथ रन संख्या जो कि 32 रन के ऊपर। आजकल हम कमेंट्री सुना करते हैं यहाँ पर आईपीएल में, निश्चित रूप से चाहे वो विवेक राजदान हो, रितिंदर सोदी हो, अजय शर्मा हो, शानदार अंपायरिंग यहाँ पर जो कि कमेंट्री हमें कमेंट्री बॉक्स से सुनने को मिलते हैं, जो कि लोग हिंदी में हमने कभी सुने नहीं वो सुनने को मिलते हैं आईपीएल के दौरान। फिलहाल तो गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार होते हुए अक्षय सामना करेंगे जो कि खिलाड़ी इस बार खेला शानदार कवर ड्राइव, गेंद तो यहां पर शायद रुकने का नाम नहीं लेगी, खिलाड़ी वहां पर तैनात जो कि, और अगर बात की जाए तो दो रन और खाते में, दो रन के साथ रन संख्या जो कि 34 रन। रन दो विकेट के नुकसान पर, और डोडामार प्रीमियर लीग के दौरान यहां पर हमारे मित्र उदय सावंत जो कि माजगांव के रहने वाले हैं, उनका भी यहां पर आगमन हो चुका, जो गौरव सावंत के भाई है, हमारे टेनिस क्रिकेट .in के सर्वे सर्वा सिंधुदुर्ग जिले के, और उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं उनको विनती करना चाहूंगा कि वो हमारे बगल में आकर बैठिए। माजगांव प्रीमियर लीग का सही मायने में आयोजन किया जाता है, और जब जब उनके पास टाइम होता है तब हमारे साथ बातें हुआ करते हैं, हमें मौका देते हैं उस माजगांव प्रीमियर लीग के। कुछ ऐसे मुकाबले हैं, कुछ ऐसी प्रतियोगिता है जिनकी यादें हम मरते तक नहीं भूलेंगे, चाहे वो डीपीएल हो, बीपीएल हो, चाहे वो एमपीएल माजगांव प्रीमियर, चाहे केपीएल हो, जो कि ऐसे मुकाबले हम अक्सर बार बार, चाहे वो ध्रुव ट्रॉफी हो, ये मुकाबलों को तो हम भूलना नहीं चाहेंगे। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 36 रन 12 के औसत से, अभी भी 30 गेंदों का खेल बचा है, और जीतने के लिए और रन चाहिए 53 रनों की और आवश्यकता, और एक बैटिंग चॉइस पावर प्ले का और अभी भी है बाकी। चौथा ओवर लेकर देखना है साईश चांदलकर के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर, ये खिलाड़ी भी बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए, एक जेद जो कि साझेदारी बन रही है दोनों के बीच में, दत्त प्रसाद और बाबा के बीच में, ये थोड़ी खतरे की घंटी है। अगर वापसी करनी है, विकेट चटकाना है, अगर यहाँ पर अवनीश को इस मुकाबले में टिके रहना है, तो इस जोड़ी को ये साझेदारी आगे लेकर जाना है, जीत की सुगंध यहाँ पर अपनी टीम को सुंगलानी है। इसी बीच साई चंदलकर निकले, शॉर्ट डिलीवरी नीचे रहती हुई लेग स्टंप के बाहर, मौका जरूर था छोटी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का, वाइड का इशारा महेश डोंगरे के ओर से आता हुआ, और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 37 रन के ऊपर, दो विकेट गंवाने के बाद 89 रनों का जवाब देते हुए
शानदार शुरुआत मैं तो नहीं कहूंगा पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करती हुई नजर आ रही है टीम, जो कि अगर बात की जाए दो बल्लेबाजों के बीच में, ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया पॉइंट और गली के बीच में, जब तक लहू खानलकर गेंद के ऊपर जाए उठाए थ्रो करे, एक रन के साथ छोर बदला और स्ट्राइक सौंपे दत्त प्रसाद पिरणकर के पास। जानते हैं बाबा कसकर, मुझे मैदान के ऊपर टिके रहना है, दत्त प्रसाद पिरणकर के बल्ले से भी रन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ज्यादातर हार्ड हिटिंग करने के लिए उनको ज्यादातर मौका देना चाहिए, इसी सोच के साथ मैदान के भीतर फिर एक बार साईश चांदलकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब यहां पर यह समय आ चुका है कि कुछ और एक बड़ा ओवर यहां पर बन जाए तो शायद मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। इस बार खेला शानदार मिड विकेट के दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद देवानंद, गेंद को उन्होंने फील्ड कर दिया, लेकिन इनके पास से रन चुराना यानी कि खुद के रनआउट का आमंत्रण देने के बराबर, क्योंकि ये खिलाड़ी दो ऐसे हैं जिनका थ्रो सीधा बाउंड्री लाइन से विकेटों के ऊपर आ जाता है। वीर हनुमान खान्याले के सभी खिलाड़ी, चाहे वो दाजी शेटे, देवानंद शेटे, योगेश शेटे हो, संकेत शेटे हो या समीर परमेकर, ये 100% योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार खेला पैडल शिप के सारे, कैच का मौका, ओ क्या बेहतरीन कैच, इसे कहते हैं फील्डिंग में 100% ये साझेदारी यहाँ पर खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन क्या गजब का कैच लपका है। नीलेश जी अगर बात की जाए ना तो इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ कैच इसको माना जाएगा, अगर जब बेस्ट कैचेस की बात आई जाएगी ना तो किताब के हकदार तो दाजी सेठी है। अरे भाई बचा क्या है आपके लिए, अगर आप गेंदबाजी भी करोगे तो भी आप सोना पाओगे, बल्लेबाजी से आपने जलवे दिखाए, फील्डिंग में लाख काबिले तारीफ यहाँ पर फील्डिंग, सिर्फ आपको बचा है गेंदबाजी करना। नया बल्लेबाज अजय मैदान के भीतर, एक विकेट तो ले लिया यहाँ पर साईश चांदलकर ने, पटकी हुई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, दत्त प्रसाद पिरणकर को चकमा दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से, क्या कहने इस खिलाड़ी के, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और ऐसे खिलाड़ी अगर टीम में होना तो शायद किसी भी कप्तान को अभिमान लगता है कि मेरे पास भी ऐसे खिलाड़ी हो। निश्चित रूप से ये कैच नहीं था, ये बाउंड्री थी, क्योंकि गैप इतना था, लगभग 10 मीटर का गैप था दो खिलाड़ियों के बीच में, और बाएं तरफ झुककर कैच को तब्दील करना ये कोई आसान बात नहीं, और यही तब्दील कर दिया यहां पर दाजी शेट्टी ने। इस बार खेला ये तो आसान कह जाएगा, जी हाँ, ओहो कैच बैक टू बैक पवेलियन, जब कमेंट्री बॉक्स में होते हैं ना तो मजा आता है कमेंट्री करने के लिए। आप आइए कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि अगला मुकाबला आपके टीम का है और आप हमारे बगल में होना तो कमेंट्री में और ही मजा आ जाता है। 14 रनों का योगदान दिया, 10 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। अगर बात की जाए, नया बल्लेबाज सागर गहोज जा चुके हैं, अगर इनका हुक्मी इक्का अभी भी तुरुप का इक्का आना बाकी है। शानी गवस की बात की जाए, हार्ड हिटर बल्लेबाज, जब गेंद पुरानी हो जाती है ना तो इस शानी के बल्ले से छक्के चौके लगते हैं, और आज उनको कप्तानी पारी इस मैदान के ऊपर खेलनी है हार और जीत के लिए। तो साईश चांदलकर दो विकेट चटका चुका है इस ओवर में, ये बेहतरीन के नीचे रहते हुए और रन आसानी के साथ एक रन, ये नपा तुला ओवर का सावड भरी गेंदबाजी, ओवर मुकम्मल चौथा, इस ओवर में मात्र रन दिए इसने 3,
चार रन दिए एक वाइड पकड़कर, चार ओवरों का खेल समाप्त, 10 यहां पर रन संख्या पहुंचे 10 के औसत से 40 रन, यानी कि जीतने के लिए और 49 रनों की है आवश्यकता, और आधे ओवर का खेल है बाकी। क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। वक्त हो चुका है कमेंट्री कक्षा में बदलाव का। सूरज की किरणें सर आंखों पे और आपका प्यार सर आंखों पर लेकर सभी दर्शकों से मैं जय भोसले इस दूसरे इनिंग से, इस क्वालिफायर मुकाबले से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले मुकाबले में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल उमड़े शांत हवा ऐसी बात है जिसके आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आभारी जय। बिल्कुल चार ओवर का खेल खत्म और बचे हुए चार ओवर में 49 रनों की जरूरत, 24 चंडू और 49 धावा विजयासाठी। निश्चित रूप से मुकाबला बराबरी पे चल रहा था, लेकिन बीच में विकेट जरूर गवाए यहाँ पर अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम ने, और वो विकेट निश्चित रूप से रनों पर रोक रंगने में सक्षम रहे। गेंदबाजी नफीतुली अक्षय अपने ओर की गेंद लेकर यहाँ पर इस ओवर की ये पहली गेंद, और गेंद लगभग फाइन लेग क्षेत्र से, और लेग बाय का इशारा हुआ, दो रन मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा के रूप में, और कुल मिलाकर इस दो रन से टोटल आगे बढ़ी 42-42 रन जो कि स्कोर के खाते में। बयालीस रन, एक दो बड़े शॉट निश्चित रूप से यहां पर वापसी अवनीश क्रिकेट टीम की। इस बार ढीले हाथों से खेला, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार भाग्य ने साथ नहीं दिया। सातेरी वॉरियर्स या दोन्ही संघादरम्यान सामना होणार आहे। दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे, लगेचच पिंटिया वॉरियर्स वर्सेस सातेरी वॉरियर्स यांच्यामध्ये सामना होणार आहे। 42 रन और एक बल्लेबाज जो की रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। एक बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी, इस बार नजरें हटाकर खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ी नीची रही। राजेश पुलारी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए विकेट कीपिंग की भागदौड़ संभाले हुए वक्रतुंड क्रिकेट टीम दोड़ामार के कप्तान, एक अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दी और बल्लेबाजी ने एक खूबसूरत बल्लेबाजी की। अर्जुन कास्कर की एक सुनहरी बल्लेबाजी और उस बल्लेबाजी ने निश्चित रूप से एक बढ़िया सलामी दी। फिर एक बार गेंद नीची रही, राजेश पुलारी चूके, गेंद गई सीमित एरिया में, दो रन का इशारा हुआ और इस दो रन से टोटल आगे बढ़ी 44 रन जो कि स्कोर के खाते में। लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 बल्लेबाज जो कि मैदान से बाहर गए और रनआउट के रूप में जो भी बल्लेबाज गए, और वो बल्लेबाज बिल्कुल खराब क्रिकेट खेले। एक सुनहरा कैच जो कि दाजी शेटिये का, और उस कैच ने यह मुकाबला बिल्कुल बदल दिया। बिल्कुल बढ़िया मुकाबला चल रहा था, 3 ओवर के खेल में लगभग 36 रन बने थे और उसके बाद एक कैच ने उस मुकाबले को बदल दिया। आगे आए, खेला बिल्कुल गेंद हवा में और इस बार कैच छूटा जरूर, लेकिन इसी दौरान बल्लेबाज मात्र 2 रन लेते हुए। मुकाबला अभी भी
दोनों तरफ से बराबरी पर है। प्रयास करना होगा उन्नीस बॉयज की बल्लेबाजी को, प्रयास करना होगा वक्र तुंडो की गेंदबाजी को। कहते हैं कि हर एक पतंग जानती है कि उसको आखिरकार कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन फिर भी वो आकाश को छूने की तमन्ना रखती है। तो प्रयास करना चाहिए, वो तमन्ना होनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी के पास, और देखना है इस मुकाबले में वो तमन्ना दिखाई देती है या नहीं। फिर एक बार उठाया, इस बार वही खिलाड़ी बिल्कुल बढ़िया। बैटिंग पावर प्ले के खेल का इशारा हुआ अंपायर की ओर से, और यही खेल इस मुकाबले का निर्णायक खेल रहेगा। इस ओवर में आपको 15 से 20 रन बनाने हैं, और वो 20 रन निश्चित रूप से यहां पर अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को निर्णायक साबित होंगे, और वही 20 रन बनाने होंगे, बचाने होंगे गेंदबाजी को। देखना है वक्र तुंड की ओर से कौन सा गेंदबाज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया जाता है। केदार दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और नीलेश जी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 18 गेंदों के खेल में 43 रनों की और जरूरत, 18 चेंडू आणि विजयासाठी 43 धावांची गरज, 46 रन जो कि स्कोर के खाते में, 46 धावा या धाव पलकावर आणि विजयासाठी 18 चेंडू आणि 43 धावांची गरज। निर्णायक ओवर बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और यही ओवर इस मुकाबले का एक निर्णय स्पष्ट करेगा। पहली गेंद लेग स्टंप से जाने वाली गेंद, छेड़खानी करने का प्रयास, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर, वाइड बॉल का इशारा हुआ। एक्स्ट्रा के रूप में मिले इस एक रन से टोटल मात्र आगे बढ़ी 47 रन स्कोर के खाते में। नीलेश गोवर्स अर्थात शानी की बल्लेबाजी मैदान के भीतर, और उनके बल्ले पर पूरे कप्तान को भरोसा, अवनीश बॉयज की पूरी टीम को भरोसा, और उस भरोसे पर उनको खरा उतरना है। एक निर्णायक ओवर, ये गेंद खेल दिया, नो बॉल का इशारा हुआ, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट के रूप में विकेट, नो बॉल का इशारा इसी दौरान, और एक्स्ट्रा के रूप में मिला एक रन। ये एक बहुत बड़ा विकेट जो कि वक्रतुंड दोडामार क्रिकेट टीम के लिए। बैटिंग पावर प्ले के ओवर का खेल अभी भी, एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़िया जानकारी। पहली वाइड डिलीवरी, उसके बाद नो गेंद, और उसके बाद ये खेल जो कि आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बुक में देखा जाए तो 48 रन जो कि स्कोर के खाते में, 48 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और 41 रनों की जरूरत, 18 चेंडू आणि विजयासाठी 41 धावांची गरज,
शानी स्ट्राइक गेंद पर एक दो बड़े शॉट, इस ओवर में 15 से 20 रन जो कि अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम को एक बढ़िया स्थिति में ला सकते हैं। बिल्कुल अपने कॉपिंग क्रीज में खड़े, ये गेंद उठाया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और यहां पर एक बढ़िया रन सेव करते हुए और 2 रन के साथ छानी ने टोटल को आगे बढ़ाया और 50 रन यहां पर अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम पूरे करते हुए। बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, रोमांचक मुकाबला, क्वालिफायर 1 का यह मुकाबला। जीतने वाली टीम दूड़ामार प्रीमियर लीग के इस बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम को इस प्रतियोगिता के दौरान और एक मौका निश्चित रूप से दिया जाएगा। रोमांचक मुकाबला, सिर्फ एक गेंद इस ओवर की हो चुके हैं। फिर एक बार शानी खेल दिया स्क्वायर क्षेत्र में, इस बार दाजी गेंद के पीछे, गेंद को जब तक लपकते थ्रो करते आसानी के साथ पहला रन पूरा किया, दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, इस बार दोनों रन मुकम्मल। शायद गेंद काफी देर तक उनके हाथों में रुकी और नतीजा एक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। शानी गवाज जानते हैं उनको इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक गेंद पर रहना है और इस 2 रन के साथ टोटल मात्रा आगे बढ़ी, 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रोमांचक मुकाबला, काफी सारे दर्शकों की उपस्थिति इस प्रतियोगिता के दौरान। इस बार बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं, गेंद मात्र इशारा। थैंक यू। गेम स्पिरिट बिल्कुल इस मुकाबले के दौरान, शानी खुद से अंपायर को बता रहे थे कि वो 2 रन है, आभारी हैं शानी हम आपके, 2 रन का इशारा बिल्कुल, और इस 2 रन से टोटल आगे बढ़े 54 रन जो कि स्कोर के खाते में 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में एक आध बड़ा शॉट, शानी गवस बिल्कुल अपने टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने का प्रयास करते हुए मैदान के भीतर, और गेंदबाजी में केदार गवस जिनको एक बड़े शॉट से रोकना है शानी गवस को। फील्डिंग में बीच बीच में छोटी मोटी तब्दीलियां करते हुए राजेश पुलारी जो कि वक्रतुंड क्रिकेट टीम दोड़ामार के कप्तान, बीच बीच में तब्दीलियां करते हुए तीनों फील्डर जो कि लेग साइड की दिशा में, सर्कल के बाहर, स्क्वायर लेग मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के दिशा में। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और यह मौका शानी गवस को, मौका और इस मौके का निश्चित रूप से फायदा लेना चाहिए। 1 रन के साथ टोटल मात्र आगे बढ़ी और 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का ओवर अभी तक बढ़िया, कुछ एक्स्ट्रा रन जरूर दिए लेकिन अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं इस ओवर में। 55 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए और शानी गवस और उनके साथी राहिल जो कि बल्लेबाजी करते हुए। बड़ी प्रतियोगिता ओम साई दोड़ामार क्रिकेट टीम का आयोजन इस प्रतियोगिता के दौरान। इस बार आड़े बल्ले से खेला स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक बढ़िया फील्डिंग दिखाई देती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में। 1 रन के साथ छोर बदला राहिल और शानी गवस ने, 1 रन से टोटल मात्र आगे बढ़े, टोटल पहुंचे 56 रन जो कि स्कोर के खाते में। शानी गवस थोड़े से लेट बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आए, कप्तान का कुछ अलग सोच इस पूरे मुकाबले के दौरान, और वही सोच क्या रंग लाएगी देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में। इस बार खेला जरूर, गेंद चली गई मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन में फील्डर तैनात जब तक गेंद को फील्ड करते। शानी गवस 1 रन के साथ छोर बदलते हुए और इस 1 रन से टोटल आगे बढ़ी 57 रन जो कि स्कोर के खाते में। धावांची गरज आणि 7 विकेट गेलेले आहेत। सात फलंदाज आउट झालेले आहेत।
आणि राहिलेल्या 12 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज, म्हणजे प्रत्येक षटकात तुम्हाला 16 धावा बनवायचे आहेत, 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। और सानी गवस को जो कि मौका मिला, उस मौके का देखना है किस तरह से फायदा उठाएंगे। फिर एक बार बैटिंग पावर प्ले के उस ओवर में मात्र कम रन आए, एक्स्ट्रा के रूप में कुछ रन जरूर आए, कुछ बड़ा शॉट नहीं लगा और आखिरी 12 गेंदों के खेल में 32 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 3 बल्लेबाज अभी भी खेमे में बैठे हुए हैं अवनीश बॉयज क्रिकेट टीम के। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये पूरी प्रतियोगिता जो कि पूरे जगत में दिखाई जा रहे हैं, काफी सारे दर्शकों की उपस्थिति मैदान के बाहर। और अकरम शेख जो कि गेंदबाजी के बागडोर संभाले हुए, पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डाली, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ने का प्रयास लेकिन उतना अच्छा थ्रो और नतीजा 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। रन का फासला बिल्कुल कम होता हुआ 11 गेंदे और 31 रन जो कि जीत का फासला। लगभग इस ओवर में आपको 15-16 रन बनाने चाहिए ताकि आखिरी ओवर में वो 16 रन जो कि बनाए जा सकते हैं। इस बाराड़े बल्ले से खेलना का प्रयास अक्रम शेख बिल्कुल चतुर, और इस पूरी प्रतियोगिता में चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो चाहे फील्डिंग हो, अक्रम शेख बिल्कुल हावी हो चुके हैं अपोजिट टीम पर। और फिर एक बार निर्णायक ओवर के लिए राजेश पुलारी ने अक्रम शेख के तरफ जो इशारा किया वो इशारा बिल्कुल अभी तक सही साबित होता हुआ। इस ओवर की 2 गेंदे हो चुकी हैं और 10 गेंदे 31 रन जो कि जीत का फासला। दौड़ पड़े और पहला रन पूरा किया, बिल्कुल स्ट्राइक देना चाहिए था शानी गवस को और वही रणनीति यहां पर दिखाई देते हुए शानी गवस के पास स्ट्राइक पहुंचा और 9 गेंदे 30 रन, इस तरह का यह मुकाबला। बिल्कुल बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग हमारे दोस्त नीलेश पाटिल जो कि सावंतवाड़ी के रहने वाले इस पूरी प्रतियोगिता में एज ए स्कोरर जो कि बैठे हुए हैं। अक्रम शेख की एक गेंद पुल टॉस बनाकर खेला, लगभग मिड ऑन की दिशा में पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा जरूर किया लेकिन दूसरे रन की तलाश, थ्रो थोड़ी सी खराब लेकिन बढ़िया बैकअप यहां पर लव खानोलकर का। नतीजा 1 रन से जीत का फासला जो कि कम हुआ, 7 गेंदे और 29 रन जो कि सॉरी 8 गेंदे और 29 रन जो कि जीत का फासला, 8 चेंडू और 29 धावा विजयासाठी। इस बार ये गेंद फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, अक्रम शेख बिल्कुल चर्चे उनके इस पूरे प्रतियोगिता में। और जो निर्णायक ओवर के लिए अक्रम शेख को लाया गया वो निर्णायक ओवर बिल्कुल मैदान के भीतर साबित करते हुए। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी और लगभग 7 गेंदे 28 रन जो कि इस तरह का यह मुकाबला। आखिरी गेंद पर शानी गवस को प्रयास करना होगा, एक बड़ा शॉट जो कि होना चाहिए, गेंद को जाने दिया और निश्चित रूप से ओवर की समाप्ति और लगभग 7 ओवर का खेल बिल्कुल खत्म, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत, 6 चेंडू और विजयासाठी 28 धावांची गरज। या पुढील सामना पिंट्या वॉरियर्स वर्सेस सातेरी वॉरियर्स, दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क साधायचा आहे। पिंट्या वॉरियर्स वर्सेस सातेरी वॉरियर्स, इस मुकाबले में बिल्कुल सही डिसीजन था जो कि राजेश पुलारी का, अक्रम शेख को गेंदबाजी के लिए लाया गया 7वें ओवर में और वो ओवर बिल्कुल निर्णायक, उस ओवर में नीलेश मात्र 4 रन आए, वो एक निर्णायक ओवर था। इस बार फिर एक बार चूके रन लेने की कोशिश और एक बल्लेबाज रन आउट के रूप में।
पांच चेंडू आणि विजयासाठी 28 धावांची गरज और शानी गवज जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए बढ़िया ओवर अकरम शेख का और उस ओवर ने बिल्कुल वक्र तुंड क्रिकेट टीम दूड़ा मार की यहां पर इस मुकाबले में जीत जो कि पक्के की जीत की नीम को पक्का किया। लेकिन आखिरी गेंद तक बिल्कुल इस मुकाबले में शानी गवज का बल्ला जो कि प्रयास करता हुआ पांच गेंदे 28 रन यानी लगभग तीन चार बड़े शॉट जो कि इस मुकाबले में होने चाहिए तब जाके यहां पर 19 बॉयज क्रिकेट टीम जो कि वापसी कर सकती है। जगार पे रह के खेलने का प्रयास गेंद का और बल्ले का संपर्क लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं गेंदे बिल्कुल कम होती जा रही हैं चार गेंदे और 28 रन जो कि जीत का फासला। राइट आर्म ऑफ विकेट साइज की यह गेंद बिल्कुल नफीतुली गेंद इस मुकाबले में बिल्कुल साइज के चर्चे अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी बल्लेबाजी एक बढ़िया सलामी दी लगभग 32 रनों की एक खूबसूरत पारी खेली साइज के बल्ले ने तो निश्चित रूप से अगर यह मुकाबला जीतेगी तो नीलेश मैन ऑफ द मैच के हकदार शायद साइज रहेंगे। राइट आर्म ऑफ द विकेट शानी इस बार बढ़िया शॉट गेंद सी मारे का पार और ये काफी देर के बाद छक्का। शानी गवज थोड़े लीड से मैदान में आए और दो गेंदे 22 रन इस तरह का यह मुकाबला 19 बॉयज क्रिकेट टीम के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है लेकिन इस मुकाबले के दौरान अगर 19 बॉयज हारे भी तो उनको इस प्रतियोगिता के दौरान और एक मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा। आखिरी गेंद का खेल बाकी और 22 रन जो कि जीत का फैसला वक्रतुंड क्रिकेट टीम और 19 बॉयज के बीच में क्वालिफायर का यह पहला मुकाबला जो कि इस प्रतियोगिता का चलता हुआ जीतने वाली टीम इस पूरी प्रतियोगिता की दूढ़ामार प्रीमियर लीग के फाइनल में जाएगी और इस इनिंग की इस दूसरे इनिंग की यह आखिरी गेंद बिल्कुल फिर एक बढ़िया शॉट लेकिन ये शॉट शानी गवज थोड़ी लेट से मैदान में आई और नतीजा 19 बॉयज मात्र इस मुकाबले को हारती हुई।